देखते हैं फोर्स ऑफ मोमेंटम का रिलेशन क्या है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक मेरे पास मास था एम, वो किसी इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा था, फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दी, तो फिर क्या हुआ, फोर्स लगाने से इसके अंदर और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो हम क्या करेंगे, और टाइम के बाद इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी से कोई जा रहा था, तो एक टाइम के बाद इसकी क्या होगी, कोई फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो मेरे पास एक इनिशियल मोमेंटम हो गया कि अभी मैंने फोर्स नहीं लगाई तो ये जा रहा था, तो इसकी वैल्यू क्या थी, और एक फाइनल मोमेंटम हो गया कि मैंने फोर्स लगाई तो एक्सेलरेशन पैदा हुआ। अब हम इन दोनों की स्टडी करते हैं। हम कहते हैं कि पी आई कोई उसका इनिशियल मोमेंटम था और रिस्क इसके बराबर था एम वी आई के, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, और इसका फाइनल मोमेंटम जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसकी क्या होगी, वी एफ। मैस दोनों का सेम था, एक बॉडी के ऊपर बात करते हैं, तो इसलिए मैस इसका मैं चेंज नहीं करूँगा। अब मैंने देखना है कि इसके अंदर कितना चेंज आया। हम चेंज देखने के लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सिबलिंग्स की एज क्या है, अगर फॉर एग्जांपल कोई 16 है और कोई आई डोंट नो 12 है, तो हम क्या करते हैं उनका डिफरेंस पता करके हमें पता लग जाता है कि आप दोनों की एज में कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है। तो हम इसमें भी ऐसे करते हैं, हम क्या करेंगे कि दोनों है हमारे पास क्या है, एम वी आई और एम वी एफ। हम इन दोनों का हम क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दूंगा, क्या हो जाएगा, एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने मेजर करना है कि ये कितने टाइम में हुआ, मतलब इस पर कोई टाइम लगा जिसके बाद में वी एफ हुआ, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को टाइम से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से दोनों का मैथ सेम है, तो मैथ बाई फैक्टर आउट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, और इधर क्या आएगा, पी एफ माइनस पी आई बाई टी। और इधर देखते हैं तो ये हमें क्या पता लग रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टी, ये किसका फॉर्मूला है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और यहाँ से क्या होता है, अगर वी एफ माइनस वी आई इक्वल ए टी, और अगर यहाँ से टी को नीचे ले जाऊँ, वी एफ माइनस वी आई बाई टी, तो इसके बराबर हो जाएगा एक्सेलरेशन के, मतलब इस सब की जगह मैं क्या लिख दूँ, एक्सेलरेशन। तो ये मेरे पास क्या हो गया, पी एफ माइनस वी आई बाई टी इक्वल एम ए। अब इसको मैं साफ करके लिखता हूँ। अब यहाँ से देखते हैं ये एफ क्या, ये एम ए क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो ये इसकी जगह मैं क्या लिख लूँ, पी टी माइनस पी आई बाई टी इक्वल्स एफ। मेरे पास क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू पी टी माइनस पी आई बाई टी। जैसे मुझे क्या पता लग गया, फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन क्या है। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, सी यू नेक्स्ट टाइम।